नमस्कार, विंध्य भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख हलचलों पर एक नजर। शहर की बड़ी मंडियों में शुमार करहिया मंडी में सब्जी व्यापारियों का हाल खस्ता है। सब्जी व्यापारियों का सामान खुले में बाहर रखा होने की वजह से चोरी हो जाता है। सब्जी व्यापारियों को अभी तक न तो दुकानें उपलब्ध हो पाई हैं और न ही मंडी में किसी भी प्रकार की सुविधा है। आलम यह है कि स्ट्रीट लाइट तक खराब पड़ी है, जिससे रात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश की वजह से लाखों का सामान पानी में खराब हो रहा है, जबकि साल 2016 में देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दुकान निर्माण के लिए टेंडर दिया गया था, जिस पर कंपनी ने 8 महीने के अंदर दुकान बनाकर सब्जी व्यापारियों को देने की बात कही थी। 5 साल बीत चुके हैं, दुकानदारों को अभी तक दुकानें नहीं मिल पाई हैं। बता दें कि इस समय मंडी में रीवा जिले सहित आसपास के अन्य जिलों के लोग भी पहुंचते हैं। यहां के टमाटर को उत्तर प्रदेश तक भेजा जा रहा है, जिसमें काफी मात्रा में वाहन प्रवेश करते हैं। इसी की वजह से मंडी में भीड़ ज्यादा होती है और लोगों को सब्जी खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सब्जी मंडी जो है, इसमें लगभग 4 से 5 हजार लोगों का आना जाना और 200-250 पिकअप और छोटी 3 पहिया मिला करके, ऑटो मिला करके आते हैं, तो भीड़ भाड़ तो होना स्वाभाविक है। और मंडी में लगभग ये आप समझिए कि अपने ज़िले के अलावा सतना ज़िला, सीधी ज़िला, सिंगरौली और हमारे यहाँ का टमाटर यूपी तक जा रहा, और आम की आवक अच्छी हो गई है, भीड़ तो बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम दुकानों में, जो हमारी छोटी दुकानें हैं, फुटकर वाले लोग कुछ रोड पर काम कर रहे हैं, उनको हम 2.5 लाख की जो दुकानें बना के दिया हमने, उसमें शीघ्र शिफ्ट करने वाले हैं। और ये हमारा प्रस्ताव हमने बना करके मंडी समिति से भेजा है भोपाल, वो जैसे ही पास होके आ जाता है वैसे ही हम इसका स्टैंड भी बना देंगे और कवर्ड स्टैंड बना रहे हैं। पार्किंग बढ़िया बना रहे हैं? हाँ, पार्किंग कवर्ड बना रहे हैं, ऊपर भी उसमें माने बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को अपना वाहन खड़ा करने में, अपने माल को सुरक्षित करने में। ये भोपाल स्तर पे प्रस्ताव गया हुआ है, अब जैसे ही प्रस्ताव वहाँ से पास होकर के आ जाएगा हम निर्माण टेंडर करके निर्माण करा देंगे उसको। ये जो सड़क में बैठे सभी को दुकान में भेजा जाए? हाँ, इनको दुकानों में 2.5 लाख की दुकानें फुटकर व्यापारियों के लिए है और हम इनको अतिशीघ्र शिफ्ट करेंगे।